राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस उतरी सड़कों पर। इस वक्त मैं जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निकलने वाली सड़क पर हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कांग्रेस के तमाम नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं और विरोध कर रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ मामले हो रहे हैं। मेरे साथ राज्य मंत्री महेश शर्मा है। महेश जी, क्या लग रहा है आपको कि आप लोगों का प्रोटेस्ट क्या है? देखिए, जो राहुल गांधी जी के साथ इस जनतंत्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का जो कुचेष्टा प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध के अंदर हम सड़कों पर उतरे हैं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से मामले हो रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो किसी के खिलाफ हो, किसी की देशता पूर्वक, परंतु प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार, परंतु उनका गला घोटने का जो ये सरकार बीजेपी की सरकार कुकृत्य कर रही है, ये बहुत निंदनीय है। इसका हम भर्त्सना करते हैं और इसी के लिए आज हम प्रोटेस्ट में। आगे भी क्या ये प्रदर्शन प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हालांकि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं? बिल्कुल, वो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया करेगी पार्टी, परंतु हम सड़कों पे उतरे हैं और ये पब्लिक को बता रहे हैं कि जो जनतंत्र की हत्या करने की, जो लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं और उसके विरोध में हम सड़कों पे उतरेंगे। तो ये देख सकते हैं हम तमाम नेता और पदाधिकारी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया आवाज भी इस वक्त है, गोविंद राम मेघवाल जी है। मेघवाल जी, क्या विरोध है आप लोगों का? देखिए, जो इन्होंने फैसला दिया है वो बिल्कुल अलोकतांत्रिक है और हम इस फैसले से सहमत नहीं है। ये बिल्कुल झूठे तथ्यों के आधार पर फैसला दिया गया है जी। आप लोगों करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भयंकर आक्रोश है और मैं साफ चेतावनी देना चाहता हूं मोदी सरकार को, हम लाखों करोड़ों लोग कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोदी जी, जब आपने किसी तरह का राहुल जी के साथ अन्याय किया और एक भी दिन जेल भेजा, तो जहां उनका पसीना बहेगा वहां खून बहने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया। तो मंत्री गोविंद राम मेघवाल, रफीक खान भी है मेरे साथ विधायक। रफीक जी, विरोध प्रदर्शन क्या चलता रहेगा? विरोध प्रदर्शन बिल्कुल चलता रहेगा और एक बात मैं बता दूं कि राहुल गांधी वो शख्सियत है जिस आदमी ने पूरे देश के लिए 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का एक नारा दिया आज के समय में, और आम आदमी गरीब आदमी की आवाज उठाई, सड़कों पे उठाई। जब संसद में आवाज सुननी बंद कर दी तो ये आवाज सड़कों पे उठी और आज उसी के साथ नाइंसाफी हो रही है। पूरे देश में निराशा का माहौल है। उस माँ का बेटा आज किसी को आप बोलो कि तू पार्षद की कुर्सी छोड़ दे, मेयर की कुर्सी छोड़ दे, एमएलए की कुर्सी छोड़ दे, वो छोड़ता नहीं है। वो उस माँ का बेटा है जिसने प्रधानमंत्री पद के ठोकर मारी है, वो उस दादी का पोता है जिसने पूरे देश के लिए कुर्बानी दी है, उस बाप का बेटा है जिसने देश के लिए जान दे दी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी शख्सियत, आज उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है पूरे देश में, न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे देश में, पूरी आवाम सड़कों पे है, उनके मन में निराशा है। फैसला होगा, न्याय होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कानून के दायरे में रह के कानूनी कार्रवाई होगी। क्या आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल, ये प्रदर्शन किसी आदमी का ऑर्गेनाइज किया हुआ नहीं है। हम सुबह यहाँ इकट्ठे हुए पीसीसी के अंदर, फैसले का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही फैसला आया आपने देखा कार्यकर्ता अपने आप सड़कों के ऊपर हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश में निराशा का माहौल है। बहुत शुक्रिया रफीक जी। तो ये तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इस वक्त हम देख सकते हैं। पुष्पेंद्र भी है, युवा कार्यकर्ता इस वक्त मेरे साथ। पुष्पेंद्र, क्या युवाओं में गुस्सा है राहुल गांधी को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुस्सा है। जिस तरह से अघोषित आपातकाल इस देश में चल रहा है, न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य जो होते जा रहे हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। इतने बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बर्खास्त किया जा रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, ये क्या कारण है? जजेज वगैरह के लिए कहते हैं कि ये तो देश को न्याय देते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से निर्णय हो रहे हैं इस देश की न्यायपालिका पर निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह लगता है जी। आप लोग क्या आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे? अभी तो हमने यहाँ राजस्थान की राजधानी से ये अंगड़ाई ली है आंदोलन की, और अगर जल्दी माननीय राहुल गांधी जी के लिए कोई सम्मानजनक निर्णय नहीं आ पाया तो पूरे देश के अंदर आंदोलन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं और इन लोगों का यही कहना है कि राहुल गांधी को जबरन
एक तरीके से परेशान किया जा रहा है और इसी का विरोध करने के लिए तमाम लोग आज यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज़ जयपुर।